Hi, I am Madhusri and I am back with all of you guys and you are watching Madhusri's Creation who are new in my channel and seeing this face for the first time. So, I am Madhusri and welcome back to my channel. So, अगर आप वीडियो में दिखेगा आपको कि मेरा बैकग्राउंड चेंज है, मेरा सब कुछ चेंज है क्योंकि मैं पूरा शूट कर चुकी थी एंड उसके बाद मुझे पता चला कि पीछे से मेरी मम्मी ने मेरे को बुलाई एंड होल वीडियो में उनका आवाज़ आ रहा था. एडिट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी मैं उस नॉइस को अवॉइड नहीं कर पाई. सो मुझे रीशूट करना पड़ रहा है इस इंट्रो को फिर से. एंड प्लीज़ माफ़ कर देना जितना भी सारे नॉइस आ रहा है क्योंकि मैं ऐसी जगह पर रहती हूँ यहाँ पे नॉइस के बिना रह ही नहीं सकते. मतलब खिड़की तो बंद है, उसके बाहर भी बाहर का आवाज़ आएगा बाद भी. बाहर में किसी का वॉशरूम है, वहाँ से पानी का आवाज़ आता रहता है एंड ऑल. मतलब उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना. एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रिक्वेस्टेड वीडियो है. पिछले वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे किसी ने कमेंट करके बताया था कि दीदी तुम्हारा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रहा है, यू कैन सी दिस. सो उसने बोला था कि करंट जो स्किन केयर रूटीन है मेरा वो शेयर करने के लिए. सो आज के मैं वीडियो में वही शेयर करने वाली हूँ एंड स्टे ट्यून विथ मी. एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप इफ यू लाइक इट, एंड इफ यू डोंट लाइक इट देन गिव अ डिसलाइक. बट प्लीज गिव समथिंग विच यू वॉन्ट टू शेयर विथ मी. एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन एवरी सिंगल टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. एंड या विदाउट डूइंग एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, द फेस वॉश विच आई एम यूजिंग राइट नाउ इज दिस वन. दिस इज मामा अर्थ उपटन फेस वॉश. हमेशा क्या करती हूँ ना, मैं नहाने के बाद ही अपना स्किन केयर करती हूँ क्योंकि नहा मैं अगर बाल धोती हूँ तो उसमें क्या होता है ना, शैम्पू वगैरह करती हूँ तो वो स्किन में चले जाते हैं, तो उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है. तो उसी के बाद ही हमेशा स्किन केयर करनी चाहिए. तो मैं ये वाला अभी फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ बहुत दिनों से. ये मेरा फोर्थ टब है, बहुत ही अच्छा फेस वॉश है. हमेशा फेस वॉश को एक मिनट तक ही फेस में वॉश कर मतलब मसाज करना चाहिए ताकि जितना भी प्रॉब्लम है स्किन में वो सारा हट जाए. डर्ट है, पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट्स हैं, गंक है, सब निकल जाएगा. Now the next step is scrubbing and today I'm gonna use this one Biotic Advanced Ayurveda Bio Papayari Vitalizing Tan Removal Scrub and मैं इसको एक साल से use कर रही हूँ and अभी तक ये टक खत्म नहीं हुआ. You can imagine how much quantity you get. इसके बाद scrubbing आपको सिर्फ और सिर्फ एक या दो बार ही करनी चाहिए week में, उससे ज़्यादा नहीं तो skin harm हो जाता है इससे. तो इसको भी एक मिनट तक जेंटली मसाज करना है. जो लोग पहला स्क्रब यूज करना स्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग ये वाला स्क्रब जरूर यूज करें क्योंकि पहले ही अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन करोगे तो वो स्किन के लिए हार्मफुल होता है. तो पहले आपको फिजिकल एक्सफोलिएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप केमिकल एक्सफोलिएशन की तरफ जा सकते हो. मैं अभी तक केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं करती फेस पे, तो आपको डेली बेसिस पे स्क्रब यूज़ भी नहीं करना चाहिए. तो इसको भी एक से दो मिनट तक मसाज करके फिर नॉर्मल पानी से धो लेती हूँ मैं. ओके, नाउ द फेस मास्क विच आई एम गोना यूज इज फ्रॉम गुड वाइब्स गोल्ड ब्राइटनिंग जेल फेस मास्क. नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो क्रुएल्टी फ्री एंड ये ऑल स्किन टाइप के लिए है. एंड मैं इसको एक महीने से ज़्यादा हो गया मैं यूज़ कर रही हूँ. अगर आपने मेरा पर्पल हॉल नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने सारे डिटेल्स में बताया है कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या मैंने खरीदा है. सो अभी मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ. क्योंकि आज मैंने स्क्रब यूज़ किया तो इसलिए मैं ये वाला फेस पैक यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा जेल मास्क है. ये जो ऑयल है नेचुरल स्किन के उसको एकदम ही बाहर नहीं निकलता है. बट अगर मैं किसी दिन स्क्रबिंग नहीं करती हूँ तो मैं अपना DIY फेस मास्क यूज़ करती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है ऑयली स्किन वालों के लिए,
मेरा तो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, सो जो लोग का स्किन टाइप मेरे से मैच करता है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, फ़ायदेमंद भी होने वाला है। सो यू कैन सी मैंने कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया है इसको, आई डोंट नो कैमरा कैच कर रहा है कि नहीं, बट या इसको लगाने के बाद ना फेस पे एक हल्का सा ठंडा ठंडा सा सेंसेशन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब एकदम रिफ्रेशिंग लगता है। एंड इसको लगाने के बाद आपको इसको 15 मिनट के लिए छोड़ना पड़ता है, उसके बाद ये थोड़ा सा सूख जाता है, 15 से 20 मिनट के बाद अब्जॉर्ब हो जाता है सारा गुडनेस इसका जो है, उसके बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए एंड दैट्स इट। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ माई फेस बिकॉज कैमरे में तो उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, मिरर तो है नहीं अभी सामने, सो या 15 मिनट बाद इसको वॉश करके फिर आते हैं। ओके, तो मैंने वॉश करके मैं आ गई, आप देख सकते हो ये जो ग्लो दिख रहा है आपको। नाउ मैं फेस टोनर यूज़ करने वाली हूँ, मैं आइस भी यूज़ करती हूँ, बट मैं सुबह एकदम सुबह उठने के बाद तुरंत मैं नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश करती हूँ, देन उसके बाद मैं आइस क्यूब्स अपने फेस पे रब करती हूँ, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली एंड एक्नी प्रोन है, जो कि मेरे स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर मैं आइस क्यूब रब करूँ तो वो ऑयल प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है एंड जो पिम्पल्स होते हैं कभी कभी तो वो भी रिड्यूस हो जाती है एंड पिम्पल्स होने की चांसेस भी बहुत कम हो जाती है, तो वो चीज़ मैं अभी इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग जिसका भी ऐसा स्किन है या फिर ड्राई स्किन वाले पीपल भी ऐसा कर सकते हो सुबह उठने के बाद ही, क्योंकि सुबह उठने के बाद तुरंत हम लोग के फेस में कोई भी डर्ट गंक नहीं होती है, जिसके वजह से कोई भी हार्श केमिकल वाला फेस वॉश या फिर कोई भी चीज़ की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो या अब मैं ये वाला फेस टोनर यूज़ करने वाली हूँ, ये भी गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर है, ये भी मैं अपने पर्पल हॉल पर दिखाई थी, तो जस्ट शेक इट वंस एंड जस्ट स्प्रे इट। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सूखने के लिए वेट कीजिए एंड जस्ट डैब इट ऑन योर फेस, थोड़ा सा ये अब्सॉर्ब हो जाएगा आपके फेस के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप सिर्फ महंगा प्रोडक्ट यूज़ करोगे तभी आपका स्किन ग्लो करेगा, आप अगर हेल्दी स्किन केयर रूटीन एंड हेल्दी डाइट फॉलो करोगे तो भी आपका स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लोइंग हो सकती है। सो नेक्स्ट आई एम गोना यूज़ दिस वाओ स्किन साइंस एलोवेरा जेल एज माई मॉइस्चराइजर, बिकॉज मेरा ऑयली स्किन है, मैंने पहले ही बोला है, तो मैं कोई हेवी मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं कर पाती, सो आई विल टेक लिटिल बिट ऑफ दिस एंड अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई फेस एंड मसाजिंग इट वेरी वेल। इसको अच्छे से आप मसाज कर लीजिए, इसको अंडर आइज में भी आप अच्छे से मसाज कर लीजिए, लिप्स के ऊपर भी आप अप्लाई कर लीजिए। कैन यू सी द ग्लो? That is it for today's video and now I'm gonna go now and please guys, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड और भी क्या क्या वीडियो आप लोग देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि ये वाला वीडियो भी रिक्वेस्टेड था, पिछले वाले वीडियो के कमेंट के थ्रू मैंने ये वाला वीडियो बनाया। सो ये मेरा रिसेंट करेंट स्किन केयर रूटीन है, यू कैन सी द ग्लो एंड द हेल्दी स्किन ऑफ माइंड। सो या आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, लॉट्स ऑफ लव।